अच्छा भाषा समझ में आ रहा है तो भाई मनवा भक्ति भावनाई मा जे कर बिगड़ल भाई मनवा भक्ति भावनाई मा जे कर बिगड़ल भाई मनवा भक्ति भावनाई मा भक्ति भावनाई मा भक्ति भावनाई मा भक्ति भावनाई मा भक्ति कर बिगड़ल भाई मनवा भक्ति भावनाई मा कर बिगड़ल भाई मनवा भक्ति भावनाई मा। अच्छा आप लोग चुड़ैल नाम सुने हैं, चुड़ैल 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 सुने हैं, देखे हैं, दिखाए हम आज, आज दिखा दें, बोलिए किसकी किसको देखना है, बस आज आप भूत देखे हैं, भूत प्रेत देखे हैं, भूत प्रेत आज दिखा दे अबे रोबल लगे है ना, अबे रोबल लगे हल्ला कर कैसे दिखाएंगे, तेरी क्या कमान से ले आवे चुड़ैली बने रसैया हो, चुड़ैली बने रसैया आनक लैका के मान से ले आवे चुड़ैली बने रसैया हो, चुड़ैली बने रसैया के लैका का मानसने आवे चुड़ैल बने रसैया हो, चुड़ैल बने रसैया। अरे भूत प्रेत, भूत प्रेत दिखा दे चुड़ैल तो देख ले, अरे भूत प्रेत में जीवन बैठे दुखवा कैसे कटे हैं मैया, भक्ति भावनाई मां जे कर बिगड़ल भाई मनवा भक्ति भावनाई जे कर बिगड़ल भाई मनवा भक्ति भावनाई मा, भक्ति भावनाई मा हो, भक्ति भावनाई मा, भक्ति भावनाई मा हो, भक्ति भावनाई मा, जे कर बिगड़ल भाई मनवा भक्ति भावनाई मा, जे कर बिगड़ल भाई मनवा भक्ति भावनाई मा। देखिए अच्छा एक बताइए देवियां लक्ष्मी की मांस खाएंगे नहीं, मांस बनाएंगे नहीं, सरस्वती मैया नहीं, सीता मैया नहीं, सावित्री मैया नहीं, गायत्री मैया नहीं, गंगा मैया नहीं, धरती मैया नहीं, गौ माता नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब जो मांस बनाता है वही चुड़ैल है और जो खाता है वही भूत प्रेत है, वो जिंदा भूत प्रेत है, मुर्दा नहीं जिंदा भूत प्रेत है, ठीक है ना। हड्डी मांस जूरी ठीक है, आज भूत प्रेत देखिए। अच्छा हम देखते हैं इस क्षेत्र में एक त्योहार चलता है छठ, छठ जानते हैं, छठ की माता का सुनेंगे नहीं, सुने छठी माता का, अरे जल में खड़ा रहते हैं पानी में सूर्य भगवान का होता है, यहाँ होता है ना, फिलहाल गया, फिलहाल गया, हाँ हाँ। लेकिन देखिए देवी की लोग छठ भूखती हैं तो सुबह का पारण करेंगे तो बोलेंगे थोड़ा सिधरी लाना ना, टेंगरा मछली वाला चलो। ये बताइए वो पारण करेंगे उससे तो क्या छठ मैया से कुछ मिलने वाला है, आके घर में जब मुर्दा खोरी होगी मुर्दा घर में खाया जाएगा, मुर्दा कहाँ जाएगा, कहाँ जाना चाहिए, या तो श्मशान में जाना चाहिए और नहीं तो कब्रिस्तान में जाना चाहिए है? है? तो लोग पटवे को श्मशान भी बना दिए हैं कब्रिस्तान में बना। अभी बताओ इसमें एक मुर्दा डाला गया, लाश डाला गया तो कहाँ जाएगा, तो टेम रहेगा ना, बाहर जाएगा। और सोखा बाबा तांगे अपना उल्लू सीधा करते हैं ठीक है, इसलिए मैं आज सभा में पहले कहा हूँ कि खोट दे दीजिए, वही सबसे मेरे
सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा होगी। कोई भी एक छोट आज आश्रम में यहाँ आए हैं धर्म सभा में छोड़ करके जाइए, कोई भी एक छोट दे दीजिए, वही आपका आनंद सफल होगा और मेरा इतना देर तक चिल्लाना भी सफल होगा। मत आरती में पैसा डालना, मत मुझे दक्षिणा देना, मत कुछ देना, लेकिन एक खोट दे दो अपना कोई, ताकि हम भी अपने सत्सुरु के पास जाएं तो सोचे चंदवारा से देखिए इतना दुख विपत्ति लाया हूं भैया। एक खोट के कारण कोई खोट जो समझ में आता हो, मांस खाने का, मदिरा पीने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, मिलावटी सामान लेकर बेचने का, झूठे किसी को चूली करने का, किसी की उन्नति देख करके डाह से जलने का, कोई भी एक खोट हो वह देते मन ही नहीं बनता। ठीक है, मुझे वोट वोट सपोर्ट नहीं, एक खोट चाहिए, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का। देखिए सुरती खाने वाले कब है, सत्यनारायण महाराज का कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करिए, सर हाथ नीचे। अच्छा कहीं ऐसा मंदिर है जहां पर भोग में मांस लगाया जाता हो, भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान जी का, गंगा मैया का, कहीं है मंदिर? अरे आदमी के बनाए हुए मंदिर का इतना महत्व है कि वहां भोग नहीं लगता है, और इस भगवान के बनाए हुए मंदिर का महत्व तो नहीं है कि इसमें कूड़ा कूड़ादान जानते हो, खाकर कहां थो तो कूड़ादान है, सर्दी हो जाए तो कहां थो तो, आओ एक और कूड़ादान है जिसे सब सब फेंक दो, इसे अवाड़ कबाड़ आए, इसे भगवान अपने रहते हैं, भगवान अपने रहते हैं, मां शक्ति अंदर रहते हैं, वेद मंत्र शास्त्र सभी धर्म बताते हैं कि भगवान घट घट में है, यदि भगवान घट घट में है तो इसमें भी है, तो फिर इसमें भी है, तो ये बताइए जो हम मांस चढ़ाते हैं तो क्या भगवान खुश होंगे? खुश होंगे? अच्छा एक और दूसरा तर्क ये बताइए कि संसार किसका बनाया हुआ है? उन्हीं का क्या है, उन्हीं का बनाया हुआ ना, तो सभी उनके बच्चे हैं कि नहीं है? सभी बच्चे हैं उनके, तो ये बताइए जैसे आपके बच्चे हैं वैसे भगवान के भी बच्चे हैं? आपके बच्चे को आपके सामने काटा जाए, अच्छा है आपको काट कर खिलाया जाए तो खाएंगे? माताएं खाएंगी? और थोड़ा सोचिए ना, अरे आपके बच्चे को कोई थोड़ा नख लगा दे ना, इतना सा सोई चुभा दे उसका चम ले लेंगे, बोली नहीं ले लेंगे? लेकिन वो भी तो किसी का बच्चा है, उसके ऊपर आपके वजह से तलवार की धार चलती है, कैसा छटपटाता है, कैसा कटाता है, आपके हृदय में दया नहीं है, और जब आप पर विपत्ति आती है तो हाथ उठाकर बोलते हैं हे भगवान दया करो, हे गुरु जी दया करो, हे मैया दया करो, तो सुंदर कांड पढ़ोगे, रामचरितमानस करोगे तो अष्टजाम कुछ इधर होता है, अष्टजाम होता है उसमें क्या होता है, भगवान का नाम होता है श्री राम का, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, अष्टजाम। ये बताओ क्या भगवान वही रहस्यमय नहीं देता, वही रहे? अब तो अष्टजाम करने वाले आपको विश्वास नहीं होगा, हमें भी मन में आया कि थोड़ा अष्टजाम कराए, क्योंकि मंदिर में भगवान राम, मैया सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का एक मूर्ति रखी गई, तो हम सोचे कराए, चार पांच लोगों को फोन किया, चारों पांच लोग आए, उसका गिरोह का सरदार बोला कि ठीक है गुरु जी हम कर देंगे, हम सात लोग हैं 10,000 रुपया, हमने कहा ठीक है, और बोल कहा खाने के लिए चूड़ा दही वो भी ठीक ठीक, पूरी तरकारी वो भी ठीक ठीक, एक घंटा पर चाय वो भी ठीक ठीक, दूध दूध में हल्दी डाल करके 2 घंटे तक वो भी ठीक ठीक,
अत गुरु जी पौवा पौवा जानते पौवा जानते पौवा नहीं जानते बस अरे वो पौवा नहीं शराब वाला पौवा शराब वाला पौवा की पौवा चाहिए हमका भाग क्या बोलते भी हम हैं अरे बम है लेकिन सबसे ज्यादा यही चलता है होम डिलीवरी है देखिए बता रहे हैं नेता जी होम डिलीवरी है बाबू जहाँ रुक होता है वहां तक तेज चलता है अभी लिख दीजिए ना लिख दीजिए अंदर आना माना है और विदा जाएगा क्या आखिर क्या है क्या बात देखिए यहाँ थूकना माना है वहां जाते थूकने लगेंगे मुंह में थूक आ जाएगा थूके काहे ना थूके प्रवेश में जो है कि आमंत्रण देखिए तू जब बोला हम अपने मन की बात बता रहे हैं बोला कि थोड़ा सा चाहिए सात लोग हैं सात पौवा चाहिए हमने कहा भाग यहां से जब तू शराब पिएगा तो भक्ति भजन क्या करेगा अरे सात में से आया एक बोला कि ठीक है हम नहीं पिएंगे लेकिन घर ही जाकर पिएंगे हमने कहा जब तेरे जैसे तपस्वी की जरूरत क्या है हमें जरूरत नहीं है दिव्य आत्मा है जब तक अपने मन की स्वतंत्रता अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे मन को पवित्र नहीं करेंगे संसार के सारे तीर्थ कर डालिए सारे भजन सुनिए कीर्तन सुनिए सत्संग सुनिए प्रवचन करिए प्रवचन कराइए माला जपिए फूल चढ़ाइए कुछ फायदा नहीं है नथिंग है मैं गारंटी ले रहा हूं कुछ फायदा नहीं है जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ भी फायदा नहीं है सारा का सारा मेहनत बेकार सुने थे।